पर स्टार अक्षय कुमार से मिले थे, आज कई उद्योगपतियों से भी मिले, जिससे शिवसेना तिलमिला गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की पहचान बॉलीवुड से है। यहाँ सालाना अरबों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन जब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया है, मुंबई में हड़कंप मचा है। मिशन फिल्म सिटी के लिए योगी मंगलवार को मुंबई पहुंचे। उन्होंने फिल्म स्टार अक्षय कुमार, कैलाश खेर और बोनी कपूर जैसे तमाम फिल्मकारों से मुलाकात की। उन्होंने फिल्मी हस्तियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया तो सियासत गर्म हो गई। कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहां पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए ना बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। किसी के निवेश को झटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। निवेशकों को आकर्षित करने, ये कोई पिक एंड चूज नहीं है, सरकार ने अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं। योगी का मिशन महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ही नहीं, राज ठाकरे को भी रास नहीं आ रहा। एमएनएस ने सीएम योगी के होटल के बाहर पोस्टर लगा दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि फिल्म सिटी को मुंबई जैसी सुविधाएं कहीं नहीं मिल सकती। फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है, मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे तो यहां पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को, उतनी सुविधा बाहर के राज्य कोई दे सकता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता ने भी सीएम योगी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में भोजपुरी इंडस्ट्री है, उसे ही ठीक से चलाएं, मुंबई का बॉलीवुड यहीं रहेगा। बहुत बड़ी भोजपुरी फिल्म की इंडस्ट्री है, अगर अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री चलेगी। इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनी, अलग अलग राज्यों ने प्रयास किया, उनका अधिकार है करें, लेकिन बॉलीवुड का दर्जा जो है वो बना रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने जा रही है। इसके डीपीआर के लिए एजेंसी की खोज की जा रही है। 3 महीने में एजेंसी को डीपीआर बनाकर देना होगा। फिल्म सिटी सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट।